हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ ऑफिशियल रिक्रूटमेंट फ्रॉम साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। ऑफिशियली रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है कुछ पोस्ट के हिसाब से। आज उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ। तो यहाँ पर बहुत सारे सीज लेके इस बार ऑफिशियली नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। रेलवे की तरफ से ऑफिशियली कुछ नोटिफिकेशन, जिसके बारे में आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। एक एक जानकारी दूंगा किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको सब कुछ यहाँ पे बताऊँगा। चलिए दोस्तों, देख लेते आज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो, बेसिकली इस बार की ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो उसमें अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना, देयर इज द क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए उसको भी आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पे एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मेंशन किया गया है, तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो फर्स्ट में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर आप 12th पास है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप 10th पास है तो डेफिनेटली यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एज लिमिट की अगर बात किया जाए, 18 से 30 इयर्स तक के लिए एप्लीकेशन कर सकते अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते 18 से 33 इयर्स, एंड एससी एसटी कैंडिडेट 18 से 35 इयर्स तक के एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया। मतलब यहाँ पे जितने भी इस कैटेगरी कैंडिडेट है तो वो लोग यहाँ पे उसी के ऊपर जो है एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके बाद आता है यहाँ पे एज रिलैक्शन। तो यहाँ पे एज रिलैक्शन की अगर बात किया जाए तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्शन एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं आप लोगों को ये जो आपको पता होना चाहिए। अभी एग्जामिनेशन की फ़ीस की अगर बात किया जाए फॉर कैंडिडेट जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन फ़ीस आपको जमा करना होगा। अनरिज ओबीसी के लिए 500, एससी एसटी के लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस आपको देना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपका जो बैंक ड्राफ्ट है आपको वो है साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन ब्रिज 743 पेबल एट जीपीओ कोलकाता की जो है यहाँ पे रखा गया है। उसके ऊपर जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको करना होगा। आप जिस भी कैटेगरी से आपको उसी कैटेगरी के ऊपर बेस जो है आपको देना होगा। इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन फ़ीस, एप्लीकेशन करने के तरीका। बेसिकली एप्लीकेशन करने के तरीका जो रखा गया है वो है आपको ऑनलाइन में। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन आपको भेजना होगा। तो ऑनलाइन में एप्लीकेशन भेजने के लिए ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो है बेसिकली ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए ऑफिशियली कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, और भी अगर जानकारी चाहे डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो।